सत श्री अकाल दोस्तों, मॉडर्न एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज से ता बहुत बहुत स्वागत है जी। अज की वीडियो आप जिहड़ियां ट्रेयां वालियां पनीरियां जी उन्हां दी सांभ संभाल बारे गल करांगे जी। किहड़ी किहड़ी गल दा असीं ध्यान रखना, सब तो वड्डी गल जिहड़ी कहिंदी कि जिवें आपां स्ट्रक्चर बनाया होया, इह तुसीं देखो जिहड़ा अपना सारा सिस्टम बनिया होया, इहदे बारे पहलां वीडियो आईयां होईयां जी वी किवें बनाउणा है, किवें बीज लाउणे आ, ट्रेयां किवें तैयार करनियां, सारा कुछ पहलां दस्सिया होया, तुसीं उह देख लिओ। मैं सिर्फ दो चार गल्लां जिहड़ियां उह क्लीयर करना चाहुंदा। इक तां सब तो वड्डी गल जिहड़ी कहिंदे कि इस तरह दा जिहड़ा पाणी है उह डिगदा, उहदा कोई नुकसान भाई जी, ये जिहड़ा पानी है जी कोई नुकसान नहीं जी करता साडा, बस जिहड़ी जगह ते पानी डिगदा जदों तुसीं पानी देना है बूटियां नूं तां उदों उस जगह ते पानी घट देना, बस इन्नी गल दा तुसीं ध्यान रखना। नंबर दो, हुण आपां एक दूजा सवाल आउंदा है जी कि इहनूं पानी किवें देना, उह तुसीं वीडियो च नाल देख लिओ, मैं क्लिप पा दूंगा भी पानी इसनूं असीं लगाउणा किवें है। पंप तुसीं अपने हिसाब दे नाल ला सकदे, पानी हमेशा पंप दे नाल जां फुहारे दे नाल लाओ, मोटी धार रखे, ज़्यादा बरीक धार भी आपां इहनूं इत्थे नहीं पाउणी जिहदे नाल बूरा जिहड़ा बाहर आ जांदा है। हुण असीं एक इस गल दा किदां अंदाजा ला सकदे हां कि किहड़े जिहड़ा हैगा जी पानी लगण वाला, इत्थे तुसीं कलर दा डिफरेंस देख सकदे हो, रंग जिहड़ा तुसीं देखो ये जिहड़ियां जी ये थोड़े जिहे फिक्के रंग दे हो गए, मतलब ये जिहड़े पानी दी डिमांड कर रहे आ। इधर देखो ये इहनां चों इक जिहड़ा ये फिक्का रंग आ, बाकी सारे डार्क आ, मतलब ये जिहड़ा कॉर्नर वाला ये पानी मंग रहा। इसे तरीके दे नाल आपां अंदाजा ला सकदे हां वी किहड़ा साडा जिहड़ा पौधा है जी वह पानी की डिमांड कर रहा। तो असं जो पानी लगाना तो सिर्फ उन्नी जगह नहीं टारगेट करके पानी लगाओ जिनी जगह पानी की ज़्यादा डिमांड कर रही है। इधर तुसीं देखो ये देखो ये हुण ये वाली जिहड़ियां ट्रेयां ये पानी की डिमांड करनी है जी, ये तो अगे वाली ट्रेयां जिहड़ी पानी की डिमांड नहीं करनी है। तो इस तरीके जो तुसीं पानी लाउणा स्प्रे पंप दे नाल पानी लाओ तो उस जगह नूं टारगेट करके पानी दिता जाए जिनी पानी की जरूरत है। ये साडी 27-28 तरीक की बिजाई है जी, ये जिहड़े कद्दू है वह उगने शुरू हो गए तुसीं देख सकते हो, ये भी इतों सेंटर च पानी पैण वाला, कद्दू साडे उगने शुरू हो गए जी, लौकी उग गई है, करेला जिहड़ा वह हले नहीं उगया, मैं तुहानूं दिखाउणा इह देखो ये करेला है जी, इधर करेले की जिहड़ी जर्मीनेशन है वह साडे दी हले नहीं हुई तो हो जाएगी दो चार दिन च हौली हौली, मतलब ये टैंपरेचर मेनटेन करन लई वेखो जी सानू जिहड़ियां लाइटां वा थोड़ियां जिहियां हैवी लगाउणियां पईआं क्योंकि स्ट्रक्चर मेरा जिहड़ा बहुत वड्डा सी ते टैंपरेचर जिहड़ा इत्थे जिहड़ा मेनटेन थोड़ा जिहा मुश्किल हो रहा सी करना सानू, ते इस करके मैं इत्थे 35,000 बूटे का सैटअप है जी अपना, 35,000 पौधा असीं तैयार कर सकते हैं। हुण ये देखो इस तरीके दे नाल जिहड़ा तुहानू दिखे कि हुण इत्थों साफ अंदाजा ला सकदे हां कि पानी की डिमांड इत्थे जिहड़ी हैगी है, तो इत्थे असीं पानी दे सकदे हां। हुण जे असीं सारिआं बूटिआं नूं एक सार पानी देना है तो उहदा इक तां मैं अंदाजा दस दिंदा कि किन्ने कु बूटिआं नूं असीं किन्ना पानी देना हुंदा। मैं ये जिहड़ी अपनी कैलकुलेशन कीती है जी, जदों तुहाडे बूटे पानी की डिमांड करदे आ तां इक ट्रे है जिहड़ी उह 400 तों 500 ml पानी जिहड़ा उह लैंदी है, मतलब इक जे तुसीं 15 लीटर वाला पंप लैंदे हो तां उह तुहाडा अप्रोक्सीमेटली 30 जिहड़ीआं ट्रेयां उहनां नूं पानी दे सकदा। इधर तुसीं देखो ये 1000 वाट की लाइट लगी है जी, कुछ 200 वाट के बल्ब लगे है, थोड़ी बहुत नदीना की समस्या जी सू ट्रेयां दे आ सकती है, उन्हें असं ध्यान रखना है। तुम देख लो मैं लाग करके दिखा कि कणक है जी सा उगी हुई है कितने कितने या होर कोई नदीन है जोड़ा उग सकता तो वो सफाई जी नालों नाल करते रहना जी। बाकी जो ये बूटे व्डे हो जाते हैं जी जे इन ये दो पत्ते है जी, मैं तुम्हें लागे करके दिखा, ये देखो हुण ये वाला जिहड़ा बूटा इत्थे तो सेंटर तो नवा पत्ता तीजा पत्ता कड़ा निकलना, जिन्ना चिर तीजा पत्ता नहीं निकलता उन्ना चिर असीं इत्थे कोई खुराक है जिहड़ी उहनूं नहीं पाउणी, इस गल दा परहेज रखिया जावे। जे तुहानूं लगदा कि तुहाडे ये जिहड़े बूटे आ इहदे थलड़ी इह जिहड़ी लंबाई आ देखो ये सिर्फ मेरे 2-1.5 फुट दे करीब है, ये तुहानूं लगदा कि तुहाडे बूटे लंबे हो रहे आ, लंबे हो रहे आ तां तुसीं उत्थे इंस्टेंट ध्यान रखना है कि लाइट है जिहड़ी उह जिन्नी तुसीं वधा सकदे हो वधा दो, जे तुहाडी लाइट की जिहड़ी कि घाट के कारण बूटे लंबे होणगे, लंबे जे ज़्यादा बूटा लंबा हो गया तो डिग जूगा जी, लै सेंटर जो टुट जूगा फिर डंपिंग ऑफ की प्रॉब्लम आ जूगी, समस्या जिहड़ियां बाद च काफ़ी वज्जणगियां। इस गल्ल दा तुसीं ध्यान रखना है कि यह बूटा जिहड़ा इत्थे खड़ा है ये तो थोड़ा जिहा उपर आके तीजा पत्ता निकलना स्टार्ट होना चाहिए, मेरे इत्थे लाइट की पूरी तरह मैं व्यवस्था की हुई है जी, इन गलों का तुसीं ध्यान जरूर रखियो, जे जरूरत पैंदी है तां इह जदों तीजा पत्ता निकल आवे उदों असीं 2 ग्राम 19-19-19 या जी अपनी ICL की स्टार्टर आँदी है दोवों चों कोई 1-2 ग्राम 1 लीटर पानी च पा के तो ये उपर स्परे कर दो, ड्रिंचिंग कर दो, यदि
डोज कि इस तो वध नहीं पानी जी, इस गल का ध्यान रख लियो। मैं तुम्हें लागे करके दिखा, देखो लंबाई जी यदि बूटे की एड्डी लंबाई होनी चाहिए है। लंबाई ज़्यादा हो रही है तो समझ लो कि लाइट है वो घाट है जी, लाइट जी प्रॉपर कर दो, सारा सिस्टम कंट्रोल आ जाऊगा। जो पूरी तरीके लाइट इनू मिलनी शुरू हो जाए तो फिर ऑटोमैटिकली समस्या जी साढ़े घट आनी है। 200-200 वाट के साथ बल्ब लगे, तुम देख लो 1000 वाट दी ओरिजिनल लाइटा लाइया हुई हैं जी। लाइट कंट्रोल कर ली, टैंपरेचर कंट्रोल कर ली, ह्यूमिडिटी भी जी साड़ी काफ़ी हद तक यदि ज़्यादा नहीं वधदी जी, बराबर रहिंदी है, क्योंकि ये सारे फैक्टर का ध्यान रखना पैंदा है जी सानू, फिर जी साड़ी वधिया तरीके दे नाल पनीरी जी उगदी है। ये नवे जिहड़े बूटे साढ़े उग रहे इस तरीके दे नाल तुहानू बूरा जिहड़ा जी उपरों उठिया होया मिलेगा जदों बूटे उगणगे। ये तुसीं देख लो अलग अलग बूटे की जर्मीनेशन का समा अलग अलग है जी, कोई बूटा 10 दिन च उग जाएगा, कोई 15 च, कोई 20 च, कोई 25 च। ये देखो जी ये हुण पहलां उग रहे ने, तो इधर एक ही तुरी लगाई है जी, ये लेट है। हालांकि ये जी ट्रे है जी 2 दिन बाद लगाई सी, पर ये पहलां उग रही जी, ये लौकी जी ट्रे है जी अपनी। खीरा जिहड़ा है जी उहदी जर्मीनेशन फास्ट हो जाती है, कद्दू जी जर्मीनेशन फास्ट हो जाती है, टमाटर की जर्मीनेशन जी फास्ट है जी। तो एक स्पैशल किस्म का कद्दू है जी, ये तुम देखो ये नाल टैग लाए हुए है जी, ये नोनियो सीड का जी स्पैशल वरायटी है एक। बाकी मैं वरायटियां बारे वीडियो बना देनी है जी, कि वरायटी कि समय से बेस्ट रही है, मैं खुद कि वरायटियां की बिजाई करदा। ये जी ट्रे जी 5 दिन पहला लाइया जी खीरे दियाँ, तो ये जे खीरे उगने साढ़े शुरू हो गए। जे तुम जरूरत पैंती है तो बूटे मरते हैं तो कोशिश ये करो कि पानी की जी मात्रा घटा दो, लाइट जिनी वधा सकते हो वधा दो, वो कंट्रोल च आ जाएंगे। जे नहीं आते तो किसी भी तरह का कोई फंगीसाइड ले लो, तुम कार्बन डाइजब तो मैनकोजॉब साल्ट लै सकते हो, 2 ग्राम 1 लीटर पानी पा के स्प्रे कर दो, भी कुछ हद तक साड़ी प्रॉब्लम जी कंट्रोल हो जाती है। हुण जे तुहाडे बूटे लंबे होने शुरू हो गए, इत्थे एक समस्या आ गई, जे मान लो आ गई है हुण उहदा आपां की हल करना है जी, उस दी जगह ते तुसीं लियोसिन जी अपनी दवाई आ जी बासफ कंपनी की आँदी है वो दवाई लैनी है। वो दवाई पहली स्प्रे उहदी 0.5 ml पाउणी है जी 1 लीटर पानी च, तां उहदी स्प्रे कर दिओ, वह बूटे नूं लंबा होने तो रोकेगी, रोकण च मदद करेगी तुहाडी।